अब हम आगे हैं फोर्थ यूनिट पे जो अपनी पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवेलुएशन सबसे पहले इवेलुएशन की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं हम एजुकेशन में इवेल्युएशन की डेफिनेशन क्या होती है किसी भी चीज को इवेल्युएट करना रिजल्ट तक पहुंचना उसके तो इवेलुएशन की डेफिनेशन क्या है वेयर वी सीक एविडेंसिस दैट द लर्निंग एक्सपीरियंसिस वी हैव डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स आर इफेक्टिव कि हमने स्टूडेंट्स के लिए जो भी टीचिंग एड यूज किए थे जो भी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस यूज की थी करिकुलम यूज किया था वो कितना अफेक्टिव शो हुआ है उनकी लर्निंग प्रोसेस में मतलब कि लर्निंग हुई है नहीं हुई है पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है वो इवेल्यूएट करना है यहां पर प्रोसेस ऑफ जजिंग को कहते हैं ये एक जजिंगटिक एक्विजिशन है मतलब स्टेप वाइज चलता है ये सिस्टमैटिक एक्विजिशन एंड असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक फीडबैक देता है ये अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या आ गए हैं सारे प्रोग्राम आ गए हैं पॉलिसीज आ गई हैं एक्टिविटीज आ गई हैं तो इसको सिंपल टर्म में कहें इवेल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक है जो इवेल्युएट करती है स्टूडेंट को कि कितनी लर्निंग उनको हुई है ये प्रोसेस ऑफ जजिंग होता है इसका गोल क्या होता है कि यूजफुल फीडबैक देना चाहे वो टीचर को फीडबैक देना है चाहे करिकुलम को है चाहे किसी भी चीज को अगर बच्चों की डिजायर्ड हमें बिहेवियर मिल जाता है बच्चों का कि भाई ये ऑब्जेक्टिव था हमारा इस क्लास में ये सीखना था और वो सीख जाता है बच्चा और अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो एवरेज जितनी होती है बच्चों की अगर वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं दैट मीनस की टीचिंग मेथड जो है वो अफेक्टिव है अगर एवरेज ही उनकी पुअर रहती है बच्चों की तो इसका मतलब वी नीड टू चेंज अवर टीचिंग मेथड्स या करिकुलम तो इसका मेन गोल होता है यूजफुल फीडबैक देना या डिसीजन देना इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है इवेल्यूएशन कंटिन्यूस प्रोसेस है कभी नहीं रुकता है कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत ज्यादा वाइड है आप कितना भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं किसी को भी कितनी भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसके बारे में एक्सेस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एकेडमिक भी होता है जो पेपर्स के द्वारा देखते हैं नॉन एकेडमिक होता है कि बच्चे को वैसे ऑब्जर्व किए जाना कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो कि हम आगे पढ़ेंगे सीसीई बोलते हैं जिसे फॉर इम्प्रूविंग दी प्रोडक्ट प्रोडक्ट इम्प्रूव करने के लिए इवेल्यूएट किया जाता है कि भाई अगर बच्चे में कुछ कमी है या वो वीक है तो उसके पेरेंट को फीडबैक दिया जाए उसकी टीचर को फीडबैक मिले और उस उसपे जो है रेमेडियल एक्शंस लिए जाए पर्पज ओरियंटेड है बिल्कुल है कि गोल अचीव होना चाहिए ये इसका पर्पज होता है देन फंक्शन आ जाते हैं आपके

उन टेक्निक्स को जो हमने सिलेक्ट किए कैसे यूज करें उनका फिर उसके बाद हो जाता है यहाँ पर जैसे एक क्लास का हुआ है लेकिन आपका कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है वो कभी खत्म नहीं होता पूरी लाइफ टाइम चलता ही रहता है आपके टेस्ट चलते ही रहते हैं पहले आपके प्लस टू तक के टेस्ट होंगे फिर आप कॉलेज में जाएंगे फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए किया जाएगा इंटरव्यू आपकी जॉब लगने के बाद आपको ऑब्जर्व किया जाएगा के लिए तो ये एक इवेल्युएशन का प्रोसेस भी कंटिन्यूस प्रोसेस है देन आपकी आती है मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होती है मेजरमेंट होती है किसी भी चीज को मेजर करना जिस चीज को हम माप सकते हैं उसे कहते हैं मेजरमेंट जैसे कि चाहे वेट है हमारा चाहे हाइट है वट एवर कुछ भी है जो भी क्वांटिटी में हम नाप सकते हैं उसे मेजरमेंट कहते हैं अब इन दोनों में डिफरेंस आता है इवेल्युएशन जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपकी किसी भी चीज को रीच करना कि उनके बारे में जज करना मेजरमेंट जो है वो बहुत ओल्ड प्रोसेस है इवेल्युएशन क्या है टेक्निकल टर्म है ये आपकी सिंपल टर्म है ये क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटी टिव दोनों दोनों होते हैं मेजरमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि इवेल्यूएशन में आपके असेसमेंट्स भी आते हैं एंड मेजरमेंट्स भी आती हैं तो क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है बच्चे की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पता लगती है इसमें मोर टाइम नीडेड इसमें ज्यादा टाइम लगता है इसमें जो है आ, टेक लेस टाइम ये सिर्फ आपकी मेजरमेंट करती है इसलिए लेस टाइम लगता है उसमें आपकी क्वालिटी मेजर की जाती है कि बच्चे की हर तरह की क्वालिटी देखी जाती है तो वो ज्यादा टाइम लगता है उसमें कंटेंट स्केल आपकी हर एबिलिटीज में देखी जाती है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं परसेंटेज होते हैं स्कोर्स होते हैं एवरेज होती है बिहेवियरल चेंज इसमें देखा जाता है जैसे ऑब्जर्वेशन बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है उसके टेस्ट के द्वारा देखे जाता है इसमें क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट होता है इसमें जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं एटीट्यूड का आइडियल सोशल एडजस्टमेंट कि अब जैसे इंटरव्यू है किसी बंदे का अब वो इंटरव्यू में तो क्लियर हो गया लेकिन आगे उसको अप्रेजल के लिए अगर देख रहे हैं कि वो सबके साथ सोशली अटैच नहीं है डोमिनेटिंग बिहेवियर है या एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा तो वो होती है इवेल्यूएशन किसी भी बंदे के बारे में करना और इसमें क्या है ये मेजर नहीं कर सकता इन चीजों को ठीक है सोशली कितना एडजस्ट होता है बंदा या नहीं होता वो मेजरमेंट में नहीं आता है देन होता है इसका एम क्या है एम एट मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम बाय ब्रिंगिंग अ चेंज इन बिहेवियर बिहेवियर चेंज का मतलब यहां पे क्या है कि ब, ब, जो भी बच्चे के लिए कर रहे हैं Evaluation या बड़े के लिए जिसके लिए भी कर रहे हैं उनको उनका गोल अचीव हो रहा है या नहीं वो होता है मेन मेन्यूएशन इसलिए किया जाता है मेजरमेंट का एम सिर्फ मेजरमेंट तक ही होता है और कोई एक्सपेंड इसका एम नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसी को इलेबोरेट करके आप लिख सकते हैं कि पहले मेजरमेंट की और इनकी डेफिनेशन दे, दे देंगे फिर ये कॉन्सेप्ट कैसे नया है कैसे पुराना है ये थोड़ा थोड़ा डिटेल वे में आप बता देंगे देन उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ इवेल्युएन फॉर्मेटिव है समेटिव है डायग्नोस्टिक है इस पे जो है आपका सिक्सटीन मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है या किसी एक को दे देंगे आप फोर मार्क्स में या एट मार्क्स में भी दे सकते हैं तो अब हम समझ लेते हैं फॉर्मेटिव क्या है और ये सब चीजें क्या है सबसे पहले इसका ब्रीफ देख लेते हैं हम डायग्नोस्टिक कौन सी होती है डायग्नोस्टिक अप्रोच वो होती है वो होती है जो कि लर्निंग से पहले की होती है इसमें आपका क्या चेक होता है इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज देखी जाती है फिर प्रीवियस नॉलेज में अगर कुछ उनको आ, लूप होल्स मिलते हैं तो उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं ये हमेशा जो है फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड जाती है कि भाई उसी चीज को बेटर किया जाता है आपकी नॉलेज को देन होती है आपकी फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव में क्या होता है ये ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होती है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में इसमें मेन एम क्या है इसका कि आपको कॉन्सेप्ट कितने समझ आ रहे हैं क्या आपकी परफॉर्मेंस है ये आपकी फाइनल परफॉर्मेंस नहीं होती है क्योंकि ये लर्निंग होती है, अभी आपके पास बहुत टाइम है ड्यूरिंग तो फॉर्मेटिव फॉर्मटिवेल होती है समेटिव होती है जैसे कि आपके फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं जब आपकी सारी लर्निंग खत्म हो चुकी है फर्स्ट टर्म हो चुका है सेकेंड टर्म हो चुका है थर्ड टर्म है तो ये फाइनल लर्निंग आपकी देखी जाती है मतलब ये फुल फ्लैश है इसमें सीधा आपको फीडबैक ही मिलता है ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान की जाती है आपकी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और इसमें कैसे होती है ये इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है फॉर्मल में क्या होता है क्विज पूछी जाती है चेकलिस्ट बनाई जाती है क्वेश्चन आंसर राउंड होता है इनफॉर्मल में क्या होता है ऑब्जर्वेशन की जाती है आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाता आपको ऑब्जर्व किया जाता है चाहे आपके बिहेवियर को चाहे आपका आ, कोई भी मेजरमेंट आपकी की जाती है वो ऑब्जर्व करके की, की जाती है देन ये आपके सारे के सारे इसकी समरी है कि इसमें क्या होता है मैंने आपको समरी पहले ही बता दी है फिर इसके प्रिंसिपल आते हैं प्रिंसिपल में क्या है कि सारे सिग्निफिकेंट एलिमेंट जो होते हैं यूनिट के वो इसमें इंक्लूड किए जाने चाहिए पूछे जाने चाहिए देन बिहेवियरल लेवल क्या रखा गया है हर आइटम का हर उस यूनिट का एलिमेंट का देन उसके बाद है कि टेस्ट होने चाहिए इस तरह से कि बच्चा जो है लोअर लेवल टू हायर लेवल प्रोसीड कर, करना चाहिए देन उसके बाद हिंट दी जाती है ताकि स्टूडेंट जो है मास्टरी लेवल भी अचीव कर सके मास्टरी मतलब एक्सपर्ट लेवल अचीव कर सके उस सब्जेक्ट में और टेस्ट शुड रिवील दैट स्टूडेंट का स्टूडेंट के एरर्स भी बताएं ताकि उस पर फिर रेमेडियल एक्शन लिए जाए ताकि टेक्स्ट बुक के द्वारा या कुछ भी वर्क बुक के द्वारा प्रोग्राम के द्वारा बच्चे को रेमेडीज मतलब उनको और अच्छे दिए जाएं और इजी दिए जाएं ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए यूज कौन कौन से होते हैं यूज इसका होता है जैसे लर्निंग दी सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर का मतलब है इसमें कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी मैटर होता है उसमें उससे क्वेश्चन पूछे जाएं हर यूनिट से मास्टरी ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि किस चीज में बच्चा परफेक्ट है वो देखी जाए गोल ऑफ लर्निंग क्या होता है स्टूडेंट अपना गोल कितना अचीव कर पा रहा है वो इसमें देखा जाता है उसमें गोल फॉर स्टूडेंट लर्निंग है ये सीक्वेंस ऑफ लर्निंग में कि एंटायर जो लर्निंग सीक्वेंस है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट में बांट के फिर उसका टेस्ट लिया जाए देन अफेक्टिव रीनफोर्समेंट की उसके टेस्ट लेने के बाद अगर वो अफेक्टिव मिलता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए जैसे कि अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो उसको शील्ड मिलती है तो वो एक रिवॉर्ड है रिन्फोर्समेंट है उसके लिए अफेक्टिव रीनफोर्समेंट की आपने अच्छा किया तो आपको ये बदले में मिला तो इस तरह से अफेक्टिव रीनफोर्समेंट दिए जाने चाहिए डायग्नोस्टिक वैल्यू मतलब उसकी उसको डायग्नोज किया जाना चाहिए कहाँ उसकी कमी है कहाँ उसकी वीकनेस आ रही है ताकि हम उसे रेमेडियल मेजर्स दे सके रेमेडियल एक्शन दे सके ताकि उसकी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो खत्म हो जाए देन उसके बाद आता है यूज ऑफ फॉर्मेटिव इवेलुएशन फॉर टीचर्स टीचर्स के लिए क्या होता है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कैसे यूज होता है लोकेटिंग एरर्स लोकेटिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पे क्या करेगी टीचर के लिए इससे हेल्पफुल होता है कि हम इसमें स्टूडेंट की एरर्स पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइनल टर्म्स तक जाने से पहले ही बच्चे का ये देख सकते हैं कि उनमें कहाँ डिफिकल्टीज आ रही हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड देन सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि टीचर चेक करेगी कि जैसे ये वाली क्लास है अभी जिस क्लास को प्रेजेंटली पढ़ा रही है इसका इवेल्यूएशन करेगी कि भी कितने नंबर आए हैं इनके फर्स्ट टर्म में प्रीवियस क्लास का भी उसी टर्म फर्स्ट टर्म का देखेगी उठा के कि इतना ही सिलेबस था इतना ऐसा ही मैंने केरिकुलम समझाया था तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कितना है वो क्वालिटी कंट्रोल से चेक क्वालिटी कंट्रोल उसे बोलते हैं कि चेक करा जाए अभी का डेटा प्रीवियस वाले से देन आपका आता है समेटिव समेटिव मैंने बताया ना जैसे आफ्टर लर्निंग प्रोसेस होता है ये एंड होता है

एंड ऑफ दी यूनिट में ये कैरिड आउट किया जाता है मतलब पूरे सेमेस्टर के बाद किया जाता है ये और सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों को कलेक्ट करने के बाद इसको इवेल्यूएट किया जाता है आपका आता है सम्मेटिव इवेल्यूशन में टेस्ट कंस्ट्रक्शन आपका टेस्ट कैसे बनाया जाएगा तो वो सारा होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पहले देखी जाती है फिर उन्हें आइटम्स देखे जाते हैं उनसे रिलेटेड फिर उन आइटम्स को चूज किया जाता है फिर उनको मैनर में लगाया जाता है सिंपल से ईजी से डिफिकल्ट फॉर्म में पहले मैच द फॉलोइंग आएंगे फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे इस टाइप से लगाया जाता है फिर स्कोरिंग स्कीम कैसे होती है आपकी कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम देना है क्या देना है फिर यूज गए हैं कि बेसिस ऑफ ग्रेड्स के सर्टिफिकेशन के बेसिस पे या प्रिडिक्ट करके कि ऐसा करेगा वो या इस टाइप में अच्छा होना चाहिए या वोकेशनल गाइडेंस उसे दी जानी चाहिए इस, ची, इस चीज में है तो ये सारे इसके यूजेज हैं देन उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या आता है ये ड्यूरिंग होता है आपके इंस्ट्रक्शन uh, प्रोसीजर के ये आपके एंड में होता है ये आपको रिवॉर्ड्स नहीं देता है ये आपको रिवॉर्ड्स भी देता है ये यूजफुल होता है आपकी इंप्रूवमेंट करने के लिए करिकुलम और टीचिंग में ये जो है फीडबैक देता है सीधा ये जो होता है इसमें क्या होता है इवेल्यूशन पर्टिकुलर यूनिट कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है इसमें जो है पूरा टर्मिनल आपका एंड मतलब पूरी उसका आता है जैसे सिलेबस का या किसी भी चीज का आप कह सकते हैं क्योंकि एंड में होता है इट डिपेंड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया है और इट डिपेंड्स ऑन फॉर्मेटिव इवेल्यूशन फॉर इट्स बेटरमेंट इसकी बेटरमेंट के लिए हम फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड होती है तो दैट मीन्स सब्मेटिव के अंदर ही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपकी आ जाती है देन आपका आता है डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है ये आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है है इसमें ताकि की रिजल्ट फाइंड आउट करे, करे, जा सके और रेमेडियल एक्शन लिया जा सके कि कैसे आपकी नॉलेज जो है बेटर बनानी है अंडरस्टैंडिंग आपकी लेवल अच्छा करना है तो इसमें सबसे पहले है अटेनमेंट टेस्ट अटेनमेंट टेस्ट मतलब कि आपको कितना अटेनमेंट का मेन मतलब क्या होता है अटेन करना मतलब प्राप्त करना कितना आपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसको ग्रहण किया है प्राप्त किया है डायग्नोस्टिक मतलब कि फिर आपको आपकी कमी देखी जाती है वीकनेसेस देखी जाती है और फिर उस पर रेमेडियल एक्शन लिया जाता है जैसे कि इसके यूजेस में क्या आता है इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया जाता है कि उसको उस पर्टिकुलर जो फेज चल रही है सब्जेक्ट मैटर की उसकी कितनी नॉलेज है फिर डिस्कवर किया जाता है एनालाइज किया जाता है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं स्टूडेंट को और फिर उसके रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल जो है अकॉर्डिंग टू देयर नीड अपने उसकी रेमेडी करी जा सके रेमेडी का मतलब क्या होता है जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर क्या लिखता है उसकी रेमेडी मतलब दवाई लिखता है जैसे पैरासिटामोल दी जाती है बुखार होने पर तो पैरासिटामोल एक रेमेडी है बुखार की तो उसी तरह से रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड और फिर उसको जो है डिफिकल्टीज uh, सहन करने के लिए जो है रिलायबल डेटा दिया जाता है जो अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी uh, के अकॉर्डिंग उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसकी एज के अप्रोप्रिएट हो वो डेटा उसको दिया जाता है टाइप्स आ जाते हैं एजुकेशनल डायग्नोस्टिक है, है जिसमें कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर स्पेसिफिक क्लास के लिए ग्रेड के लिए या लेवल के लिए होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये अकेडमिक है क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि आपकी विजन हियरिंग इनसे रिलेटेड है ये आपके फिनिश हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट जैसे नेम से ही पता लग रहा है कितना अचीव किया है कितना सक्सेस है एक बच्चा अपने उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में जिसका उसका अचीवमेंट टेस्ट हो रहा है और इसमें टीचर की इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि उसके मेथड्स कितने अच्छे हैं कि बच्चों को अच्छा लर्न हुआ है या नहीं हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है सबसे पहले जो होता है एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक फ्रेम में ही टेस्ट बनना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है मुझे ये चेक करना है इसमें देन कवरेज कितनी होनी चाहिए कि आपने कोई मान लीजिए यूनिट सेट की है या कोई भी एक सिस्टम सेट किया है और उसमें कितनी कवरेज होनी चाहिए कितने सब टॉपिक्स आने चाहिए सिलेबस में या कितने लेसन आने चाहिए वो देखते हैं देन डिसीजन अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि ऐसे टाइप क्वेश्चन से चेक करना है शॉर्ट आंसर देने हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप देने हैं डिसीजन मतलब टाइम कितना अलॉट करना है वो देना चाहिए फिर ब्लू तैयार होनी चाहिए ब्लू यानी कि कच्चा पेपर कच्चा पेपर एक बार बना के देखेंगे आप कि भाई उसमें कुछ गलतियां तो नहीं होती कोई सुपरवाइजर चेक कर रहा है तो वो कोई गलती तो नहीं निकालता तो फिर उसके बाद जो है Uh, जब ब्लूप्रिंट्स तैयार हो जाएंगे तो ब्लूप्रिंट्स के द्वारा चेक किया जाएगा कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा और अरेंज किया जाएगा उन आइटम्स को और क्वेश्चंस को देन फाइनल आ गया आपका कि आइटम राइट किए जाएंगे और फाइंड की जाएगी उनकी डिफिकल्टी वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर जो है जब आपने ब्लू बनाया तो उसमें आपने रेंडमली uh, लिख लिया लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर बहुत ज्यादा टफ बन जाए या बहुत ज्यादा ईजी बन जाए वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए देन प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग किया जाती है कि आपको फिर स्कोर करना है उसे बच्चे को और किसके बेसिस पे करना है ये सर आपका इसमें आता है ये देखिए अचीवमेंट टेस्ट इस टाइप का होता है ऊपर क्लास लिख दी टॉपिक लिख दिया टाइम लिख दिया और मैक्सिमम मार्क्स लिख दिए ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका अचीवमेंट टेस्ट हो जाता है तो अचीवमेंट टेस्ट हमें ये पता लग गया उसकी डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन इज नोन एज अचीवमेंट टेस्ट इसमें एफिशिएंसी ऑफ टीचर देखी जाती है स्पीड एंड कैपेसिटी लर्निंग की देखी जाती है स्टूडेंट की कितना वो ग्रेस्ट कर पा रहा है कितनी एबिलिटी है उसमें थिंकिंग एबिलिटी सक्सेस और फेलियर देखा जाता है टीचिंग मेथड का कि आपने जैसा पढ़ाया है उतना स्टूडेंट पूरा गेन कर पाया है या नहीं या आपके मेथड में ही कोई दिक्कत है एरिया टीचर को कहाँ पे इम्प्रूव करना है अपने आप को या नहीं करना है वो इसमें देखा जाता है इसमें दो टाइप हैं जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें कि यूजअली रिटन टेस्ट ही होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है देन है इनफॉर्मल जिसमें रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है रिटर्न टेस्ट मतलब जो भी पेंसिल से लिखने वाला है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है ऐसे टाइप है शॉर्ट आंसर है देन आपका ओरल आता है ओरल मतलब जो बोल के लेने वाला होता है प्रैक्टिकल जिसमें वाइवा भी हो सकता है और बोला भी जा सकता है और रिटर्न भी हो सकता है

पहले जैसे थे एग्जामिनर जो हैं वो बायस हो जाते थे मान लीजिए किसी को अच्छे नंबर दे दिए किसी सब्जेक्ट में किसी को नहीं दिए ग्रेडिंग में क्या है कि कोई बायसनेस नहीं होती है ग्रेडिंग में पास फेल नहीं होते हैं जैसे ओल्ड टाइम में क्या होता है पास फेल हो जाते थे बच्चे तो इसमें पास फेल कुछ नहीं है क्योंकि ग्रेड सिस्टम में आपका कुछ भी पास फेल नहीं लगा रखा है आ, आपके जो है हर बच्चा पास किया जाता है इसमें रेंजिंग जो होती है मार्क्स की वो इसमें वेरियस टाइप की होती है तो बच्चे की जो है एक सिस्टमेटिक स्केल बन जाता है उसका इवेल्यूएशन का एक यूनिफॉर्म पैटर्न बन जाता है मेथड्स क्या है ग्रेडिंग का यूजुअली टू टाइप्स के लेटर ग्रेड्स यूज होते हैं जैसे ए बी सी डी ई या ओ ए बी सी डी ये स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं किसी में ओ ग्रेड को सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है किसी में ए ग्रेड को सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है ये आपकी ग्रेडिंग के मेथड हैं और आपके जो ग्रेडिंग के टाइप्स दे रखे हैं वो हैं ये देखिए ये परफॉर्मेंस लेवल है कि आउटस्टैंडिंग है बच्चा एवरेज है अबव एवरेज है या कुछ भी है और इसमें जो है परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड्स बना रखे हैं तो ये डिफरेंस है कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इजीली आप लिख सकते हैं खुद भी बना के कि ओ ग्रेड के बच्चे आउटस्टैंडिंग है ए ग्रेड के बच्चे इंटेलिजेंट हैं फिर एवरेज है फिर बिलो एवरेज है इस टाइप से आप लिख सकते हैं ये देखिए वो था एब्सोल्यूट ग्रेडिंग देन ग्रेड परफॉर्मेंस लेवल देन उसके बाद है रिलेटिव ग्रेडिंग रिलेटिव ग्रेडिंग में कि टॉप सेवन ऑफ अ क्लास और अ ग्रुप इस टाइप इसमें बता दिया जाता है कि कितने बच्चे या कितना लेवल जो है एवरेज निकल के आया है उस पर्टिकुलर ग्रेड में अब आपका आता है सीसीई ये भी फोर मार्क्स में या सिक्सटीन मार्क्स में आ सकता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ये जो होती है ये सीबीएसई ने और आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने ही करी थी एन सॉरी एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अप्लाई कर दिया कि हर बच्चे की सीसीई मतलब कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिविव इवेलुएशन का मतलब है बहुत ही वाइड मतलब उनकी पूरी डिटेल में इवेल्यूएशन होनी चाहिए कॉन्टीन्यूअस का मतलब है वो खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक उसका वो कोर्स चल रहा है अगर वो कोर्स चार साल का है तो चार साल तक उसको इवेल्युएट किया जाना चाहिए हर लेवल पे किया जाना चाहिए सिर्फ एकेडमिक के बेसिस पे नहीं आप उसे स्पोर्ट्स में भी करेंगे आर्ट में भी करेंगे डांस में भी करेंगे हर चीज में उसको इवेल्युएट किया जाना चाहिए और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 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 उसको 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 टेस्ट पेपर के थ्रू कर रहे हैं ऑब्जर्व करके करेंगे सिचुएशंस देंगे ऐसी जो आपकी खुद की बनाई हुई सिचुएशन होंगी या नेचुरल सिचुएशंस होंगी उस सब में आप उसको इवेल्युएट करेंगे उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ये कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन होता है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहसि इवेल्युएशन का मतलब ये है ये टाइम बाउंड नहीं है नो टाइम लिमिट है इसमें कितने जब तक आपकी एजुकेशन चल रही है जब तक ये आपकी इवेल्युएशन चलती रहेगी चाहे वो ओरली हो चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो कि ऑब्जर्व करके कर रहा है बच्चा या आपकी स्पोर्ट्स में है डांस में है किसी भी चीज में है और ये जो होती है इसमें आपका बिहेवियर चेंज देखा जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितने आपने अटेन किए हैं कितने नहीं किए अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये असर्टेन दी प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट का जो इवेल्युएशन अचीवमेंट uh, है वो जो है वो कर... कभी खत्म नहीं होता है और ये टीचर को पता लगना चाहिए कि जो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है वो राइट डायरेक्शन में कर रहा है या गलत डायरेक्शन में कर रहा है फिर डायग्नोज करना चाहिए उसकी वीकनेस को उसके पेरेंट्स से मिलकर टीचर को जैसे पीटीएम होती है कुछ भी होती है फीडबैक देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो इस चीज में बेटर है इस चीज में जो है वीक हो रहा है तो वो डायग्नोसिस करना चाहिए उसकी वीकनेस का इंस्पायर करना चाहिए स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि येस यू कैन डू इट आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं प्रोसीजर चेंज करने चाहिए ये चीजों से उसे मोटिवेट करने चाहिए देन ग्रेडेशन ऑफ द स्टूडेंट ग्रेडेशन ग्रेड मतलब ग्रेड सिस्टम देना चाहिए कि भाई हर एकेडमिक सेशन में ये तो पूरे जब तक उसकी स्टडी चलेंगी उस स्कूल में या प्रॉपर उस कॉलेज में तब तक होता रहेगा सीजी लेकिन हर सेशन के एंड में जैसे मान लीजिए अभी ट्वेल्थ क्लास खत्म हुई है तो ट्वेल्थ क्लास के एंड में आप उसे दे देंगे कि की आप यहाँ पे इस एरिया में वीक हैं इस एरिया में आप फाइन है इस, इस आपके हंड्रेड आए हैं तो ये होती है ग्रेडेशन की ग्रेड दे दिया गया हर टर्म के एंड में अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस आपका फिनिश नहीं हुआ है अभी आगे भी ये चलता रहेगा देन उसके बाद है ये इंडिकेशन देता है अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज में है क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स भी देखा जा रहा है आपकी करिकुलर uh, एक्टिविटीज भी देखी जा रही है अकेडमी के साथ साथ देन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल अटेंशन की भी इसमें एक एक स्टूडेंट पे उसकी स्पीड कैसी है लर्न करने की कैसी उसकी थिंकिंग पावर है वो सब इसमें उसमें हेल्प करता है ये ये प्रोसेस अटेन द एम 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 को को अचीव करने के लिए भी ये हेल्प करता है प्रोसीजर हेल्प इन इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन की भाई आपको अगर मान लीजिए अभी इस फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं समझ आया सेकेंड में नहीं समझ आया थर्ड में नहीं समझ आया नेक्स्ट ईयर आप आ गए हैं तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में ये प्रोसीजर हेल्प करता है क्योंकि इसमें इवेल्यूएशन आपकी लगातार चलती ही रहती है ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी एजुकेशन का बिकॉज ये जज करता है और डायग्नोज करता है पूरे एजुकेशन सिस्टम को आपकी स्ट्रेंथ को आपकी वीकनेसेस को और कितना अचीव किया है स्टूडेंट ने एंड कितना परफॉर्म किया है टीचर्स ने तो ये इसका पूरा कंक्लूजन निकल के आता है तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है यस yes, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हो गए हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने पूरा कवर कर लिया है अब आपका पूरा पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस फिनिश हो गया है